आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, वी हैव दिस क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन इज, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 0.001 kg पर मीटर। A small pulse is generated at its end. The pulse reaches the top end in approximately. Okay. So question में बोल रहा है कि ये एक केजी का एक ब्लॉक है, वो 1 meter एक स्ट्रिंग से, 1 meter के लेंथ के एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है। एंड स्ट्रिंग का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो है 0.001 kg पर मीटर। ओके, तो न्यू का जो वैल्यू है स्ट्रिंग के लिए वो है 0.001 kg पर मीटर। ओके, टोटल लेंथ है इसका 1 meter, तो मास ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगा, उसका जो वैल्यू होगा 0.001 × 1 विच इज इक्वल टू 0.001 kg। ओके, सो मास ऑफ स्ट्रिंग का जो वैल्यू है वो ब्लॉक के मास से बहुत छोटा है, ठीक है। सो मास ऑफ जो स्ट्रिंग है इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ ब्लॉक, ठीक। तो मास ऑफ स्ट्रिंग इस कैलकुलेशन में नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मास ऑफ स्ट्रिंग नेगलेक्ट कर दिया तो वेलोसिटी ऑफ वेव इन एन स्ट्रिंग, उसका जो फॉर्मूला होगा टेंशन इन स्ट्रिंग डिवाइडेड बाई न्यू मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का स्क्वायर रूट। ओके, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, अगर स्ट्रिंग का टेंशन निकालें तो ये देखिए, ये जो 1 kg है इस पर फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, यानी कि 1g, इसका वैल्यू हो जाएगा 10 newton, ठीक है। एंड इस पर ऊपर ये जो स्ट्रिंग है इसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा टी से, ठीक, ये रेस्ट पे है। तो ब्लॉक का FBD अगर बनाए, ठीक है, तो ब्लॉक का अगर FBD बनाए तो ऐसा कुछ है, ऊपर लग रहा है टी, नीचे लग रहा है mg, ठीक है। एंड ये इक्विलिब्रियम में है तो टी इज इक्वल टू mg वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगी, टी का वैल्यू मास ऑफ ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू का जो वैल्यू है 0.001 है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, ठीक। अब मास ऑफ ब्लॉक रख देते हैं एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्ट्रिंग आया, वो आया ब्लॉक की मास है 1 kg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, इज इक्वल टू अपॉन 0.001 का स्क्वायर रूट, इसका जो टोटल वैल्यू आ जाएगा वेलोसिटी का 100 meter per second। ओके, वेलोसिटी का जो वैल्यू आया एक कांस्टेंट वैल्यू आया, तो स्ट्रिंग में जो वेव है ऐसे जा रहा होगा 100 meter per second के स्पीड से ऊपर की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसके लोअर एंड पे एक वेव पल्स जनरेट किया गया, ठीक है, तो उसको ऊपर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, ठीक। तो वेव पल्स की जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकंड है, इसको डिस्टेंस कितना चलना है टोटल 1 meter, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच द टॉप इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना 1 meter एंड वेलोसिटी कितना है 100 meter per second, तो यहाँ से टाइम का जो वैल्यू आया वो है 0.01 सेकेंड। तो 0.01 सेकेंड में ये जो वेव है जो लोअर मोस्ट पॉइंट पर जनरेट किया गया है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।